बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास एट इन द पीरियड ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल स्टार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड वी विल डू फर्स्ट एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज वन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट कंटेन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस को कहा जाता है, मुस्बत जुमलों को कहा जाता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, कि शनाख्त कैसे की जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, जिन जुमलों के आखिर में नून गुन्ना, बड़ी ये या वाओ और उसके बाद गा गी या गे के अल्फाज आएंगे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे। जैसे नीचे आप एक्सरसाइज में सेंटेंसेस देख रहे हैं, पहला जुमला है मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे, जुमले के आखिर में आ रहा है नून गुन्ना और गे। फिर उसके बाद आपके पास ये सेंटेंस नंबर 4 है और यहाँ है हवाई जहाज़ 4 बजे अड्डे पर उतरेगा, बड़ी ये और गा आ रहा है। उसके बाद ये सेंटेंस नंबर 13 है, तुम बैंक से कर्जा लोगे, वाओ और गे आ रहा है। ठीक है, तो जिन जुमलों के आखिर में भी वाओ, नून गुन्ना या बड़ी ये और उसके बाद गा गी या गे के अल्फाज आएंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे। अब हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप विल एंड शैल का लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। शैल का हेल्पिंग वर्ब आई एंड वी के प्रोनाउन के साथ लगेगा और विल का प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही शी इट और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे के साथ लगेगा। और ये जो विल एंड शैल का यूज़ है ये रिवर्स भी हो जाता है अगर जुमले में मौजूद हो ज़रूर, मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो जहाँ पे विल लगना होता है वहाँ शैल लग जाता है, जहाँ शैल लगना होता है वहाँ विल लग जाता है। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे, मुसाफिर हमारा सब्जेक्ट है और बांधना वर्ब है और सामान आपकी ऑब्जेक्ट और टाइम पीरियड भी गिवन है। द पैसेंजर्स विल पैक लगेज इन द मॉर्निंग, द पैसेंजर्स विल पैक लगेज इन द मॉर्निंग, वो अपने दुश्मन को माफ कर देंगे, वो सब्जेक्ट है, अपना दुश्मन ऑब्जेक्ट और माफ़ करना वर्ब है। दे विल फॉरगिव देयर एनिमी, दे विल फॉरगिव देयर एनिमी, मैं आज जलसे में तकरीर करूँगा, आई शैल डिलीवर स्पीच इन द मीटिंग टुडे, आई शैल डिलीवर स्पीच इन द मीटिंग टुडे, हवाई जहाज़ 4 बजे अड्डे पर उतरेगा, एरोप्लेन विल लैंड ऑन एयरपोर्ट एट 4 o'clock। 4 के स्पेलिंग लिखेंगे जी, FOUR 4 और उसके बाद ओ एंड अपोस्ट्रॉफी एंड क्लॉक। एरोप्लेन विल लैंड ऑन एयरपोर्ट एट 4 o'clock। हम कराची जाने वाली गाड़ी पर सवार होंगे, वी शैल बोर्ड ऑन कराची बाउंड, वी शैल बोर्ड ऑन कराची बाउंड। नानी अम्मा हमें दिलचस्प कहानी सुनाएंगी, ग्रैंड मदर विल टेल अस इंटरेस्टिंग स्टोरी, ग्रैंड मदर विल टेल अस इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो आपकी मदद का शुक्रिया अदा करेंगे, वो सब्जेक्ट है, आपकी मदद ऑब्जेक्ट है और शुक्रिया अदा करना आपका वर्ब है। दे विल से थैंक्स फॉर योर हेल्प, दे विल से थैंक्स फॉर योर हेल्प। सेंटेंस नंबर 8, हवाई जहाज़ 10 बजे परवाज कर जाएगा, यहाँ पर आपका परवाज करना आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एरोप्लेन विल टेक ऑफ एट 10 o'clock, एरोप्लेन विल टेक ऑफ एट 10 o'clock, टेक ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं हर खतरे का सामना करूँगा, आई शैल फेस एवरी डेंजर, आई शैल फेस एवरी डेंजर, वो अगले साल ये किताब शाया करेंगे, वो सब्जेक्ट शाया वर्ब और ये किताब ऑब्जेक्ट। दे विल पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट ईयर, दे विल पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट ईयर, बच्चे झूलों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, चिल्ड्रन विल एंजॉय स्विंग्स, एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है।
चिल्ड्रन विल एंजॉय ड्रिंक्स, हमीद मकान किराए पर लेगा, हमीद मकान किराए पर लेगा। हमीद सब्जेक्ट है, किराए पर लेना जो है वो, लेना जो है वो आपका वर्ब है, और मकान ऑब्जेक्ट है। हमीद विल हायर अ हाउस ऑन रेंट, हमीद विल हायर अ हाउस ऑन रेंट। तुम बैंक से कर्जा लोगे, तुम सब्जेक्ट है, लो वर्ब है, और कर्जा आपकी ऑब्जेक्ट है। यू विल टेक लोन फ्रॉम बैंक, यू विल टेक लोन फ्रॉम बैंक। वो अच्छे बुरे दिनों में हमारा साथ देंगे, वो सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और साथ और वर्ब है, ठीक है। अच्छे बुरे दिनों जो है ये आपके लिए ज़र्बुल मिसल है, और इसके लिए आप प्रोवर्ब यूज़ करेंगे, थ्रू थिक एंड थिन। दे विल स्टैंड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन, दे विल स्टैंड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन। आखिरी सेंटेंस है, आपका बेटा मेरे साथ सफ़र करेगा, आपका बेटा सब्जेक्ट है और मेरे ऑब्जेक्ट हैं, और सफ़र करना जो है वो वर्ब है। योर सन विल ट्रैवल विद मी, योर सन विल ट्रैवल विद मी। ये जी हम लोगों ने आज फ्यूचर इंडेफिनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज की है। इंशाल्लाह ताला कल हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की, और उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस ही हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम पॉजिटिव का वर्ड भी यूज़ करते हैं, डिक्लेरेटिव का भी वर्ड यूज़ करते हैं, असर्टिव का भी यूज़ करते हैं। और जब कभी आपके पास टेंस ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको आप उसका स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये तीन स्टेप्स आपने याद रखने। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।